इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने हर फील्ड में हुनर को तराशने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल बनाया है। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो इसके लिए AMH SSC युवाओं के लिए कई सारे कोर्सेज करवाती है। क्या है ये कोर्स और कैसे ले सकते हैं आप कौशल प्रशिक्षण, आइए देखते हैं। अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब देने वाले सेक्टर्स में से एक है। लगातार बढ़ते इस सेक्टर में कुशल और हुनरमंद लोगों की डिमांड बनी ही रहती है, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर कुछ भी हो, हर किसी के लिए यहाँ पर काम मौजूद है। कुशलता को बढ़ाने और इंडस्ट्री को उनकी मांग के अनुसार कामगार दिलाने के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना की गई। अपैरल सेक्टर में युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम अपैरल मेड अप होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल करती है। अपैरल की फील्ड में कुशल कामगारों की डिमांड की बात की जाए तो इसमें जिनकी मांग सबसे अधिक रहती है वो है सुइंग मशीन ऑपरेटर यानी सिलाई करने वाले लोगों की। इसके लिए सेक्टर स्किल काउंसिल 3 महीने का सुइंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स कराती है। इसमें प्रशिक्षण लेने और सर्टिफिकेट लेने के बाद युवा आसानी से नौकरी पा सकते हैं। नौकरी दिलाने में भी उनका सहयोग किया जाता है। स्किलिंग के जो कोर्सेज लोग करते हैं वो कोर्सेज करते हैं कि जब आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडमिशन नहीं मिलता तो एक किस्म से हीन भावना बच्चों में आ जाती है कि हम स्किलिंग कोर्सेज कर रहे हैं कि हमें कहीं एजुकेशन में हमें एडमिशन नहीं मिला तो इस वजह से हम लोग स्किलिंग के कोर्स करें। यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने NSQF का गठन किया है। NSQF के लेवल्स को अगर आप देखें तो वो स्किलिंग कोर्सेज को एजुकेशन कोर्सेज के इक्विवेलेंट लेवल्स में उनकी तुलना की गई है। जैसे NSQF लेवल 4 का मतलब है कि 12वीं के इक्विवेलेंट, एजुकेशन सिस्टम में जो 9वीं कक्षा है उसका इक्विवेलेंट लेवल है 1 NSQF का। इसी तरह से ग्रेजुएशन का जो लेवल है वो 5 और 6 NSQF लेवल के इक्विवेलेंट है। मतलब ये कि आज एक स्किलिंग के बाद एक बच्चा एक पर्टिकुलर NSQF लेवल पे पास करके निकलता है तो उसमें हीन भावना नहीं आ सकती। अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाएं और लड़कियां पहले से इसकी जानकारी रखती हैं और अगर वो कौशल प्रशिक्षण का सहारा लेकर आगे बढ़ें तो आसानी से इसमें रोजगार भी पा सकती हैं। यही कारण है कि आज अपैरल सेक्टर सबसे ज्यादा महिलाओं को जॉब देने वाले सेक्टर्स में से एक है। कौशल प्रशिक्षण के इसी कार्यक्रम का नतीजा है कि आज बड़ी तादाद में युवा कौशल प्रशिक्षण का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपैरल सेक्टर में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी अच्छे अवसर हैं। अगर युवा अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं की जानकारी देने के साथ मदद दिलाने में भी सहयोग किया जाता है, जिससे वो न केवल खुद आत्मनिर्भर बन सकें बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। अपैरल सेक्टर में हर किसी के लिए काम है, फिर चाहे वो प्रेस करने का काम हो, डाइंग मशीन ऑपरेटर का काम हो, मार्केटिंग का काम हो या फिर कपड़ों की कटिंग से डिजाइनिंग का काम हो। बस जरूरत है कि युवा अपनी क्षमता और रुचि के साथ करियर का सही चुनाव करें और कौशल प्रशिक्षण लेकर अपने करियर को संवारें। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से आज हर क्षेत्र में हुनर के विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये जो मिशन हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है एक बहुत ही काबिलियत तारीफ है और सभी जो जिसमें एक्सपीरियंस है लेकिन स्किल इंडिया के थ्रू लोगों को एक मान्यता मिल रही है, लोग प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं तो एक अच्छी पहल है और हमारे सभी इंडस्ट्री के लोगों से मेरा एक आह्वान है कि सभी लोग इससे जुड़े। बस जरूरत है कि युवा सरकार के इस स्किल इंडिया मिशन का लाभ उठाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे आएं और देश की तरक्की में भागीदार बनें।